आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 13 Pro Android मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन से कॉल नहीं लग रहा है ना, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन से कॉल करने पे कॉल अगर नहीं लग रहा है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ना ऐप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप लिखा है ना, सिस्टम ऐप पे टैप करना है। इस वाले पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको एंड्रॉइड सिस्टम इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ऑप्शन टैप करना है, तो आपके कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, आपके फोन का जो सिम कार्ड है ना, उसे मोबाइल से बाहर निकालना है, ठीक है। और सिम कार्ड की जो सिम ट्रे होती है ना, उसमें दो स्लॉट होते हैं, सिम वन सिम टू। तो अगर आपका सिम कार्ड जो है पहले से सिम वन में लगा हुआ है, तो उसे सिम टू में लगा के देखना है। अगर सिम टू में पहले से लगा हुआ है, तो सिम वन में एक बार लगा के देखना है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम सिक्योरिटी आपको लिखना है, तो नीचे सिस्टम सिक्योरिटी का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब देखिए इसके अंदर आपको ये सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसमें सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड एक ऑप्शन मिलेगा, ये वाला इरेज ऑल डेटा, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा पे आप दोबारा टैप करेंगे, तो इससे आपका मोबाइल फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन का जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करने हैं, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।